सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1, हमें इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। देखिए इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की परमिशन नहीं होती, परमिशन होती है अगर वो नंबर है। x प्लस 1 का आपको यही नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो अगर मैंने x की जगह माइनस 2 लिखा तो ये नेगेटिव है, 2 लिखा पॉजिटिव है, जिसका पता ही नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड की परमिशन नहीं होती। ठीक है, ये सारा इनइक्वालिटी में ही होता है। तो ऐसे में हमने क्या करा, हमारे पास 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। थोड़ा एलसीएम लिया तो 2x स्क्वायर के साथ 2x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2 अपॉन में x प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2। फैक्टर साथ साथ करने शुरू कर दिए, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, आया आपके पास माइनस का 3x माइनस का 2 और अपॉन में आ रहा है x प्लस 1, यहाँ से 2x कॉमन लोगे वहाँ से 1 तो आएगा 2x प्लस 1 के साथ x प्लस 2। ठीक है, अब x तो माइनस में आ रहा है, सही है, तो हम एक काम करते हैं माइनस की मल्टीप्लाई करी दोनों साइड। इनइक्वालिटी में जब भी माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अगर वो ग्रेटर देन है तो वो लेस देन बन जाएगा, अगर वो लेस देन है तो वो ग्रेटर देन बन जाएगा। तो अब हमारे पास जीरो आ गया, अब हमारी बात बन गई, हम वीवी कर्व का यूज कर सकते हैं। हमने क्रिटिकल पॉइंट देखे तो एक आपके पास में आ रहा है माइनस का 2/3 माइनस का 1 अपॉइंट 2 और माइनस का 2। अब यहाँ पर जाएगा आपका माइनस का 1 देन माइनस 2 आएगा फिर माइनस 1 आएगा माइनस 2/3 आएगा और माइनस का 1 अपॉइंट 2 आएगा, इन्फिनिटी आएगा माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ ऊपर से चलेगा क्योंकि सारे x पॉजिटिव है। ठीक है, और ये जिससे आया है सबकी पावर ऑड है इसलिए चेंज होता रहेगा, अब ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ठीक है, हमें कैसे आंसर चाहिए, यहाँ देखो आपको कैसी वैल्यू चाहिए, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब आपको नेगेटिव, तो आपका रिक्वायर्ड इंटरवल आता है माइनस 2 से माइनस 1 ओपन और माइनस के 2/3 से माइनस का आपका यूनियन, यही आपका आंसर है।